Assalamu alaikum dear students I am Anjum Shafiq your biology teacher for grade 11 and today I am going to discuss the adaptations for parasitic mode of life in flatworms so let's move to the class board so dear students adaptations for parasitic mode of life इन फ्लैटी ह्लैटफॉर्म्स तो डियर स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि जो फ्लैटफॉर्म्स हैं यानी कि प्लैटी हेलमेंथीज देयर बॉडी इज डोरसो वेंडरली कंप्रेस्ड और uh, इन्हीं के अंदर ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो पैरासाइट्स हैं और पैरासाइट्स क्या होते हैं इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी और आपको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो एक लिविंग होस्ट पे डिपेंड करता है अपनी खुराक के लिए और रिहाइश के लिए और बदले में उसको नुकसान पहुँचाता है बीमारी की शक्ल में मीन्स अ पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज़म विच डिपेंड्स फॉर फूड एंड शेल्टर इन अ लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्मेम इन द फॉर्म ऑफ डिजीज तो कुछ इसी तरह से जो फ्लैट वर्म्स हैं ज्यादातर स्पीशीज जो हैं इनकी हमने पहले बात की थी दे आर पैरासाइट मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लाटी हेलमेंट्स और फ्लैटफर्म्स आर पैरासाइट और इनमें भी अब पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं एक एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट एक्टोपैरासाइट अपनी होस्ट की बॉडी के बाहर अटैच होता है वहीं से अपनी खुराक हासिल करता है और वक्ती तौर पर अटैच होता है उसके बाद चला जाता है जबकि एंडो पैरासाइट आमतौर पर आ, जो बॉडी के एक तो अंदर रहेगा होस्ट की लेकिन ये ज़्यादा से तक स्टे करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट और समटाइम्स तो ये परमानेंटली डिपेंड करता है अपने होस्ट के ऊपर सो so, अगर हम कैटेगराइज करें प्लेटिक हेलमेंट्स को सो मोस्ट ऑफ दैम पैरासाइट तो हैं ज़्यादातर पैरासाइट्स हैं और उन पैरासाइट्स में भी मोस्ट ऑफ दैम आर एंडो पैरासाइट्स

अडेप्ट uh, करने के लिए जरूरी होंगे तो उस उन्हीं अडेप्टेशन की ही हम अभी बात करेंगे द अडेप्टेशन फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इन द प्लेटफॉर्म थी क्लियर सो हेयर आर द अडेप्टेशन इज क्यूटिकल दे हैव डेवलप्ड क्यूटिकल और क्यूटिकल आपको पता है ये बेसिकली वैक्सी लेयर होती है ठीक है और थोड़े से रेजिस्टेंट होती है ठीक है विच प्रोवाइड्स इड्स रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस किस एबार से यानी कि जो बॉडी फ्लूड्स हैं खास तौर पर जो वाटर हैं उसको वेस्ट होने से बाहर निकलने से रिमूव होने से बचाएगा और प्रोटेक्ट करेगा इसको डिहाइड्रेट होने से ठीक है और बाकी जो कि फ्री लिविंग हैं उनके अंदर क्यूटिकल नहीं है बल्कि उनके अंदर दे हैव गॉट एपिडर्मिस क्लियर सो दे हैव डिवेलप्ड क्यूटिकल विच प्रोवाइड्स एंड रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ एपिडर्मिस एपिडर्मिस की बजाय सो दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टन फॉर दम नाउ द सेकेंड एडेप्टन विच इज मोर इंपॉर्टेंट

ऐसे आजा ऐसे ऑर्गन्स जो इनको चिपकने के लिए हेल्प करें और किसके साथ चिपकने के लिए किसके साथ एड एडहेयर करने के लिए टू द होस्ट क्लियर सो दे हैव कॉट एडहेसिव ऑर्गन्स लाइक लाइक दे हैव कॉट काइटिनस हुक्स या तो उनके पास हुक्स मौजूद हैं और सक्करस या फिर इनके पास सक्कर मौजूद है जिसके बिहाव के ऊपर ये सेक्शन प्रेशर क्रिएट करके और अपने होस्ट की सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं या फिर काइटनस एक हार्ड स्ट्रक्चर होगा ऐसे एक हुक्स की शक्ल में जो कि वहाँ पर ऐसे होस्ट के साथ जाकर अटैच होगा और जहाँ से ये अपनी जो है खुराक हासिल करेंगे क्लियर ये कुछ इस तरह से होंगे लाइक दिस दीज आर द हुक्स ये इस तरह से हुक्स मौजूद हैं इनके अंदर और इस इसी तरह से दूसरे जो पैरासिटिक और आ, इसमें ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स मौजूद हैं उनके पास सक्कर्स उनके माउथ वाले साइड पर सक्कर्स मौजूद होंगे तो ये दूसरी अडेप्टशन इनके लिए दिस आर हुक्स दिस इज द एम्ब्रियो एम्ब्रियो है एम्ब्रियो के साथ अटैच है हुक्स Or uh, number three in nervous system hai, the nervous system the nervous system is degenerated. वैसे तो प्लेटी हेलमेंट थीज में पर मैंने बात की थी इनके पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है लेकिन जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स होंगे उनका जो नर्वस सिस्टम हो, होगा वो डी जनरेटेड होगा वो को, कोई खास यानी कि इम्प्रूवड नहीं होगा क्लियर चूंकि ये डिपेंडेंट होते हैं इनकी डिपेंडेंसी की वजह से ये ये अल्कस की वजह से क्योंकि इन्होंने खुद से तो कोई को काम करना नहीं है बस बनी बनाई खुराक जो है उसको जो है वो सक करना है एडजस्ट करना है तो सो दैट इज़ वाई इनका नर्वस सिस्टम कोई वेल well डेवलप्ड नहीं है इसी तरह से इनका जो मस्कुलर सिस्टम है द मस्कुलर सिस्टम इनके मसल्स भी वेल uh, डेवलप्ड well नहीं है डी जेनरेटेड हैं इज डी जेनरेटेड ऑल्सो क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो पैरासाइट्स हैं इनके अंदर जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अंदर जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टड होती है क्योंकि इन्होंने होस्ट के साथ ही अटैच होना है वहीं से सारी ज़िंदगी गुजारनी है वहीं पर अटैच होकर रहना है तो आम तौर पर इन्होंने मूव नहीं करना होता तो मूवमेंट के लिए मसल्स चाहिए होती हैं तो इस वजह से मसल्स तो हैं लेकिन वो डीजनरेटेड है ठीक है वो इनको मूवमेंट एज सच प्रोवाइड नहीं यानी कि ये खुद से मूव कर कर एज़ इट इज़ आगे लोकोमोट करके आम तौर पर नहीं चाहते सो बिकॉज ऑफ द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्होंने ये पैरासाइट्स हैं ये अडेप्टड हैं इनको ज़्यादा मूव करना नहीं पड़ता एक ही जगह पर स्टे करना पड़ता है इस वजह से मस्कुलर सिस्टम जो है इनका वो डी हो जाता है आमतौर पर स्टूडेंट्स अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम कुछ इस तरह से बनाया कि इन एनिमल्स स्पेशली कि जो बॉडी का पार्ट इस्तेमाल नहीं होता एक लंबे अरसे तक के लिए तो वह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है वो डी होना शुरू हो जाता है इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपसे शेयर करूँगा लाइक लाइक uh, आपने like पोलियो देखा होगा पोलियो का जो पेशेंट्स होते हैं बच्चे आ, जिस साइड का पोलियो हो लेफ्ट सपोज के अगर राइट साइड का पोलियो है लेफ्ट साइड उसकी ठीक है तो राइट साइड चूंकि उसको यहाँ पर आ, नर्वस स्टिमुलेशन नहीं आ रही चूंकि इन इनके पास भी इस तरह से वहाँ पर नर्वस सिस्टम इनका डिजेरेटेड है तो इनके मसल्स के पास वो नर्वस स्टिमुलेशन नहीं आ रही तो इसी तरह से जब पोलियो के पेशेंट के पास भी लेग में जब नर्वस स्टिमुलेशन नहीं आ रही और एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं हो रहा तो क्या होता है वो आस्ता आस्ता मसल्स क्या करते हैं एट्रोफा है, उनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है वो सुकड़ना शुरू हो जाते हैं आप कभी देखिएगा उनको कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी जो जिस लेग के ऊपर वो मूव करते हैं वो सेहतमंद होती है और जिस लेग जो पैरलाइज्ड लेग होती है वो डी होती है बिकॉज के वो काम नहीं कर रही इसी तरह से ये भी एनिमल्स हैं चूंकि यहाँ पर नर्वस सिस्टम इनका डी है तो मस्कुलर सिस्टम भी आिस्था आिस्ता इनका डिजनरेट हो जाएगा बिकॉज कि इन्होंने मूव नहीं करना दे आर डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट नंबर फाइव द डाइजेस्टिव सिस्टम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है क्यों इट इज सिंप्लीफाइड इट इज सिंप्लीफाइड बहुत सादा सा बेसिक बेसिक पार्टस ठीक है इंजेशन और एक्सक्रीशन के लिए ठीक है उसकी रीजन बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिपेंडेंस For food on host, क्योंकि host की आमतौर पर यह intestines के अंदर या blood के ऐसे हिस्सों में जहाँ पर blood आ रहा है direct, तो blood के अंदर या intestine के अंदर उनको digested food मिलता है इनको हजम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा एक proper system है तो ओरल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट होती है फिर वो स्टमक में आकर कुछ हिस्सा इसका डाइजेस्ट होता है कुछ फिर डिडिनम और जेजोनम के अंदर आकर डाइजेस्ट होता है और फिर स्मॉल टसन से वो एब्जॉर्व होता है तो एक प्रॉपर एक वे है सिस्टम है ठीक है इनके अंदर ऐसा नहीं है क्योंकि इनको बनी बनाई खुराक मिलनी है तो इनको हज़म करने की एज इट इज़ वो ज़रूरत नहीं है जिस तरह के एक एक नॉर्मल जो फ्री लिविंग होता है उसको ज़रूरत पड़ती है ठीक तो इनका इसी वजह से जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंतहाई सिंप्लीफाइड होगा टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें क्या इनमें चेंजेस हैं क्या अडेप्टेशन है ओवा आर प्रोड्यूस्ड

स्पीशीज ये एक बड़ी आ, मतलब कि अजीब बात है अजीब इन देंस कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता एनिमल्स में ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल्स के जो स्पॉम सेल्स होती हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है आप पहले पढ़ भी चुके हैं आगे चल के पढ़ेंगे भी चैप्टर नंबर एटीन सेकेंड ईयर के अंदर रिप्रोडक्शन के मेल्स में जो स्पम सेल्स रिलीज होते हैं थ्रू सीमन आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था सीमन के हवाले से जो स्पर्म सेल्स होती हैं दे आर रिलीज्ड इन मिलियंस ठीक है लाखों की तादाद में रिलीज होते हैं जबकि फीमेल्स के अंदर एग सेल एक बनता है नॉर्मली ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा उलट सिस्टम है यहाँ पर चूँकि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है इन्होंने ज़्यादा मूव नहीं करना एक दूसरे के पास नहीं जाना इसलिए जो फीमेल्स होती हैं वो ओवा लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस करती हैं ताकि उनमें से कोई एक जो है वो फर्टिलाइज हो सके और ज़्यादा चांसेस हों जितने ज़्यादा ओवर रिलीज होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे फ़र्टिलाइजेशन के और उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं इनकी स्पीशी की कॉन्टीन्यूटी के लिए इसलिए और ये ख़ास बात सिर्फ किस वजह से क्योंकि ये अडेप्टड हैं फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ ये पैरासाइट्स हैं खुद से कुछ नहीं करना इन्होंने ठीक है इन इन जितना सहल पसंद ये होते हैं और कोई नहीं होता Now, if we talk about their life cycles, अब हम बात करेंगे life cycle in इनका life cycle both complicated है, dear students. The life cycle is complicated. complex is complicated. उसकी रीज़न क्योंकि ये एक होस्ट पे आम आमतौर पर डिपेंडेंट नहीं है आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में जैसे टाइनियस सोलियम टेप फॉर्म या फिर लिवर फ्लूक ठीक है द फेसियोला हिपैटिका इन दोनों के अंदर जो एग्जाम्पल्स हमने शेयर की थी इनमें कम से कम दो होस्ट चाहिए इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक होस्ट के अंदर इनकी लाइफ uh, साइकिल का एक हिस्सा मुकम्मल होता है और दूसरा हिस्सा मुकम्मल करने के लिए इनको दूसरे होस्ट की जरूरत पड़ती है अदरवाइज इनका लाइफ साइकिल रुक जाएगा ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे सो इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्टली मोस्टली नीड टू होस्ट दो होस्ट चाहिए टू कंप्लीट टू Complete their life cycles. ठीक है जैसे कि मैंने टाइनिया और लेवर फ्लू की बात की टाइनिया सोलेम में हमने बात की थी कि उसके तीन होस्ट हैं उनमें से दो कम अज कम होने चाहिए तीन कौन कौन से थे उसमें पेग है कैटल्स हैं और ह्यूमन क्लियर पेग कैटल और ह्यूमन और उनमें से ह्यूमन जो है उसमें इंटरमीडिएट होता है बाकी जो उसमें जो दो होते हैं एक हिस्सा उसमें और एक हिस्सा या पिग में या किसी कैटल में इसी तरह से लिवर फ्लू की हमने बात की थी लिवर फ्लू में भी एक हिस्सा जो होगा उसका शीप में और एक हिस्सा उसका या स्नेल के अंदर या फिर इंसानों के अंदर ठीक है तो कम अज़ कम दो होस्ट चाहिए इस वजह से इनके जो लाइफ साइकिल है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं नीचे दो एक टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं हमारे इसी पेज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं Or uh, regarding the short questions has orper. The first term is Infestation Infestation. Infestation uh, it is the, the entry and multiplication. ऑफ अ पैरासाइट मार्क कर लें इसको समझ लें इसको अच्छे तरीके से ऑफ अ पैरासाइट इसको मैं इसलिए रेड से पिंक से मार कर रहा हूं ये अलहदा चीज है ठीक है इनसाइट द बॉडी ऑफ एन एनिमल ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड्स लाइक like टेक्स लाइक like माइट्स आगे चल के पढ़ेंगे ये फाइलम टेक्स माइट्स एंड फ्लीज एंड एंड लाइक द लाइसिस ठीक है एंड uh, जैसे कि ये हमने बात की इनकी uh, ये जो उनसे uh, प्लेटिक हेलमेंट्स हैं लाइक द टेप ठीक है तो ये पैरासाइट्स हैं अगर कोई इनमें से पैरासाइट आर्थरो या या फिर नेमाटोड्स नेमाटोड्स पे आके के पड़ेंगे जो मैक्रोस्कोपिक हैं ये कौन से हैं हैं तो पैरासाइट लेकिन ए, मैक्रोस्कोपिक होते हैं ये अगर बॉडी के अंदर आए और प्रॉलीफ्रेट करें मल्टीप्लाई करें डिवाइड हों तो इस कंडीशन को कहते हैं इन्फेस्टेशन इसके बरक्स एक और टर्मिनोलॉजी uh, होती है उसको कहते हैं इन्फेक्शन तो उसमें भी फर्क बताई देता हूं आपको ठीक है यहां पर मैं इसके बिल्कुल पैरल बताऊंगा इंफेक्शन कहते हैं ना इन्फेक्शन हो गया एक कॉमन टर्म है इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन टर्म है सो इट इज द द एंट्री एंड Multiplication of virus viruses, bacteria, and, uh, and the fungi microscopic fungi. इंसाइड द एनिमल बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन उसे कहेंगे इंफेक्शन क्लियर जो माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स हैं जैसे कि वायरस बैक्टीरिया वगैरह और इन, ये ये करवाएंगे इन्फेक्शन और जो एनिमल पैरासाइट्स हैं एनिमल पैरासाइट्स Now, उनकी इन मल्टीप्लीकेशन बॉडी के अंदर कहलाएगी इन्फेस्टेशन क्लियर अब जैसे कि टाइनिया सोलियम की एग्जाम्पल ले लें ठीक है इन टाइनिया टेपम टेप दैट इज टाइनिया सोलियम इसमें क्या होता है दिस्वरंस? इनकी जो फीमेल्स होती हैं द जगोट इज डेवलप्ड इन साइड यूटरस ऑफ फीमेल यानी कि फीमेल के यूटरस में बनेगा ठीक है और इसके जो लास्ट सेगमेंट्स होते हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टेप फॉर्म का जो लास्ट सेगमेंट होता उसे है उसे क्या कहते हैं प्रोग्लोटेड ठीक है दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्लोटेड सो दिस इज अ टेप फॉर्म इसको टेप फॉर्म इस तरह जैसे आपने वो देखे स्कॉश टेप या कोई दूसरी टेप तो बिल्कुल उसी तरह से क्योंकि फ्लैट होती है वो भी तो ये भी फ्लैट होते हैं और ये वाद ऐसा आ, ये फ्लैट है जिस, जो कि सेगमेंटेड है इसकी सेगमेंट्स हैं बाकी सारे अनसेगमेंटेड होते हैं मैंने बताया था सिर्फ यही एक्सेप्शन है तो इसके जिनसे ये सेगमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रो और इसके जो टर्मिनल हैं टर्मिनल सेगमेंट्स होते हैं वो आमतौर पर मैच्योर होते हैं ठीक है इन द लास्ट सेगमेंट्स और प्रो कलॉट्स द ऑफ एम्प्रियो इज कंपलेटेड उसमें मुकम्मल हो चुका होता है एम्प्रियो की डिवेलपमेंट ठीक है इट्स एम्प्रियो इज इसका जो एम्प्रियो होता है इज राउंड एंड हैज सिक्स काइथिनस हुक्स छह हुक्स होते हैं जैसे है ये मैंने दिखाया था ये उसी का था प्रोगलोटेड एम्ब्रियो ये मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है और इसके नीचे छह कार्टनस हुक्स लगे हुए हैं ठीक है ये प्रोगलोटेड लास्ट टर्मिनल प्रोगेड जो टूट चुका है ठीक है हुक्स इसके पास मौजूद हैं एंड नीड अनदर होस्ट फॉर फर्दर डेवलपमेंट मजीद डेवलपमेंट के लिए इसको दूसरा होस्ट चाहिए क्लियर अब ये क्या होगा इट इज रिलीज वो वहां से ब्रेक ऑफ होगा ये टर्मिनल सेगमेंट इसका ठीक है यहां से ब्रेक ऑफ हुआ ठीक है और लट uh, सपोज कि ये इसका हेड है ठीक है और ये इसकी टर्मिनल सेगमेंट इट इज रिलीज्ड एंड पास्ट इन द फीसिस जिसको हम अनडाइजेस्टेड मैटर भी कहते हैं यानी हमारी खुराक का वो हिस्सा जो डायजेस्ट नहीं हुआ उसको रिमूव करना आ, उसको रिमूव जो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस ठीक है तो फीसिस के अंदर वो रिलीज हो जाएंगे और वहां से फिर अपना नेक्स्ट होस्ट में जाने के लिए रेडी है क्लियर और वहां पर जब भी जाएंगे एंड दे रीच द कैटल एंड अटैच टू द वॉल्ट्री मसल्स वॉलेंट्री मसल कौन सा होता है डियर फ्रेंड्स तीन तरह के मसल्स पढ़े आपने स्मूथ कार्डिक एंड स्केलेटल तो सिर्फ एक वॉलेंट्री है बाकी दोनों इनवॉलेंट्री है तो स्केलेटल मसल्स दे आर वॉलेंट्री मसल्स ठीक है द स्केलेटल मसल्स एंड दैट्स वाय द अंडर मीट कैन कॉज इन्फेस्टेशन तो उससे क्या होगा इंफेस्टेशन इसलिए कहते हैं हमारा दिन यही सिखाता है कि गोश्त को या खाने को सही तरह से पका के खाना चाहिए तो जो अंडर कुकड मीट होगा उसमें क्या होगा कि जिस इनके जो जिनसे एम्परियो हैं वो खत्म नहीं होंगे और फिर क्या होगा कि वो अपने अंदर मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे हमारे इंटस्टेंट के साथ जाकर उनके हुक्स के जरिए ये एम्ब्रियो अटैच हो जाएंगे क्योंकि हमने वो गोश्त खाया था उस शीप का जो उस कैटल का जिसके मोलेंट्री मसल्स के साथ ये अटैच थे अब आगे चल कर ये मसला पैदा काम कहते हैं बच्चे के पेट में कीड़े हैं वो यही कीड़ इसी तरह से वो कीड़े डिवेलप होते हैं ठीक है और दूसरी जो टर्म है इसके लिए जो दूसरी टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस इन्फेस्टेशन तो स्टूडेंट्स डिस इन्फेस्टेशन इन्फेस्टेशन क्या है द मल्टीप्लिकेशन और द प्रोलीफ्रेशन ऑफ द एनिमल पैरासाइट्स विद इन द बॉडी और अगर एक दफ़ा ये बॉडी में आ गए पहली बात है तो इसके प्रॉपरली कुड होना चाहिए मीट अगर नहीं हो सका इन ये एंटर हो चुका है इन्फेस्टेशन हो चुकी है अब क्या करना है इसको रिमूव करना है सो इट इज़ द रिमूवल The removal of parasite by drugs or एनिमा जिसको क्लस्टर भी बोलते हैं क्लस्टर क्या? okay? डिस डिस तो उसको मुकम्मल रिमूवल जरूरी है जो पैरासाइट आ चुका है जो आपकी बॉडी में तो पहले तो ड्रग्स की मदद से दवाइयों की मदद से जो फिजिशन है वो कोशिश करेगा कि इसको रिमूव किया जाए लेकिन दवाई खाते हैं कुछ दिन आराम रहता है फिर उसके बाद दोबारा से इन्फेस्टेशन हो जाती है ठीक है और पेट में दर्द और उसी तरह से भूख का ना लगना ये जो सिम्टम्स होते हैं इसके तो फिर दोबारा से जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो फिर वो आ, ए, ही, ही माइट प्रिस्क्राइब वो आपको कहेगा कि एनीमा करवाया जाए अनिमा एक इंजेक्शन होता है जो रेक्टम के जरिए दिया जाता है इट नॉर्मली कंटेन्स द फ्लूड इंजेक्शन ऑफ द फ्लूड जो रेक्टम के जरिए दिया जाता है और उससे to have parasites mukamal torpor remove hoja. So because the complete the complete removal of parasite that is for example tapeworm, is necessary. बिकॉज इफ ओनली हैड रिमेन्स इफ ओनली हैड रिमेन्स अगर इसका सर जुड़ा रह जे इनसाइट इंटस्टाइन हुक्स के जरिए इंटस्टाइन हुक्स के जरिए तो इट कैन री जनरेट इसके अंदर एबिलिटी रखी है अल्लाह ने कि यह री जनरेट कर सकता है टू कंप्लीट टू कंप्लीट टेप वम तो फिर इसके रिमूवल के लिए फिर द एनीमा इज नेसेसरी फॉर दिस पर्पज एनीमा इज रिक्वायर्ड तो इंजेक्शन है ये बेसिकली और प्रेशर के साथ दिया जाता है रेक्टम के जरिए ताकि इंटस्टाइन के साथ चूंकि प्रेशर से दिया जाता है ये फ्लूड होता है और वो प्रेशर के जरिए जो हेड्स होते हैं वो भी डिटैच हो जाते हैं एंड देर रिमूव आउटसाइड द बॉडी सो दिस इज कॉल्ड एज डिसन सो रे स्टूडेंट्स आज हो हो का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो क्या होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द फाइलम न तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़